बारे में जानते हैं कि यीशु ने हर एक के लिए अपने जीवन को कलवरी क्रूस में दिया, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ यीशु हर एक को प्रेम किया, लेकिन क्या आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह हर एक को व्यक्तिगत रूप से भी प्रेम किया है, जैसे कि मेरे टेस्टिमनी में आप सुने आशीषित हो जाएंगे। तब अचानक से मैं जब बोलने लगा कि मेरा शरीर को दफनाने के लिए कुछ जगह इस जगह में दीजिए बोल के मैंने बोलने लगा, बहुत रोने लगा, तो मम्मी बोला बेटा मैं क्या करूँ, गाँव वाला साथ नहीं दे रहा है। तब अचानक से उतने ही समय में मेरा एक दोस्त का फोन आया, और आने के बाद अचानक से वो मेरा दोस्त है और वो दोस्त का फोन आया जिसका नाम है बाबी लकड़ा, जो हमारा उधर एक कदम मिली बागान बोल के है, उस बागान से फोन आया। और आने के बाद वो मम्मी ने बात किया और बोला सुभाजीत का तबीयत बहुत बिगड़ चुका है और डॉक्टर ने बोला ये नहीं जिएगा बोल के, ऑपरेशन जल्दी नहीं हो पाया तो ये नहीं जिएगा बोल के, ऑपरेशन के लिए 3 लाख रुपये का जरूरत है। तब अचानक से वो भैया ने बोला कि ठीक है आप एक काम कीजिए हमारा इधर भेज दीजिए बोला। तब अचानक से मेरा उस फ्रेंड ने बोला हमारा इधर भेज दीजिए बोला, तो मम्मी ने क्या किया वो उसको सब बोल दिया कि हमारा इधर रखने का कोशिश किया था लेकिन कोई नहीं मान रहा है, कोई राजी नहीं हो रहा है, किसका लड़का है, कुछ हो जाएगा तो हमें फंस जाएगा, ये सब बोल रहा है। तो अचानक से वो भैया वो फ्रेंड ने बोला ठीक है इधर भेज दीजिए बोला, तो रातों रात मुझे गाड़ी रिजर्व करके मुझे कदमबिनी बागान में ले गया गया। उसके आगे जब मुझे उस गांव से मम्मी ने बोला कि निकल जाइए बोल के, तो मैंने सोचा मैंने उस मम्मी को बोला था कि मुझे किसी भी फॉरेस्ट में ले जाइए और छोड़ दीजिए, कोई भी फॉरेस्ट के अंदर में जाके मैं गाछ का नीचे सो के मैं मौत का इंतजार करूँगा, जब मैं मर जाऊँगा तो मेरे शरीर को कोई जंगली जानवर आके खाए, ऐसा मैं सोच रहा था। क्योंकि मेरे पास हालत इतना बिगड़ चुका था, आप यकीन नहीं मानेंगे कि मैं यहाँ से वहाँ तक चल नहीं पा रहा था, इतना भयंकर मेरा हालत था, टॉयलेट बाथरूम सब बेड में हो रहा था, बहुत भयंकर था। पता है मैं 3 बार मेरे लाइफ में उस बीमारी के बाद मैंने 3 बार प्रेयर किया कि परमेश्वर मुझे कैंसर बीमारी दे देता फिर भी अच्छा होता। तो आप यकीन नहीं मानेंगे उस बीमारी में इतना दर्द था, इतना दर्द था कि जब वो बीमारी आता था ना मैं खाट को उठा देता था, मैं पगला जैसा हो जाता था, पूरा नस नस टना जाता था मेरा, और मैं तब चिल्लाते बेहोश हो जाता था और मैं गिर जाता था, बहुत तड़पता था, ऐसा भयंकर बीमारी मेरे जीवन में हो आ गया था। तो मैं अचानक से जखन उस मम्मी ने क्या किया मुझे गाड़ी रिजर्व करके वहाँ भेज दिया, जब मैं कदमबिनी फलाकट्टा कदमबिनी बागान में जब मैं गया मेरे दोस्त के घर में रात के समय था, जब मैंने दोस्त को देखा और मैं उसे हग किया और मैं हग करने के बाद मैंने उसको उसके कंधों में सर रख के रोने लगा कि दोस्त मैं इतना क्या ऐसा कर दिया, मेरे जीवन इतना बुरा था, इतना खराब था, जो आज मैं मेरा जीवन में मौत जैसे बीमारी आ गया, मैं तड़प रहा हूँ, डॉक्टर का रिपोर्ट बोलता है कि मैं नहीं जीऊँगा, ब्रेन स्कैन का रिपोर्ट बोलता है कि मैं नहीं जीऊँगा बोल के। तो मेरे उस दोस्त ने मुझे हौसला दिया और बोलने लगा आप चिंता मत करो बोला, हम आपके लिए प्रेयर करेंगे, आप चंगा हो जाओगे, आप ठीक हो जाओगे, उस दोस्त ने बोलने लगा। तो मैं अचानक से उसके वहाँ रहने लगा और बहुत रोता था, सारा दिन मेरा सेशन था कि रोना, सिर्फ रोना, मैं कहीं नहीं जा पाता था, यहाँ से वहाँ तक पानी लेके खाने भी नहीं सकता, पीने भी नहीं सकता, इतना प्रॉब्लम था मेरा। तब तीनों टाइम आपको पता है मैं जब सुबह उठता था, मतलब जब मैं नींद से जाग जाता था मुझे अच्छा नहीं लगता था, तीनों टाइम मैं नींद का टेबलेट लेता था, तीनों टाइम सुबह उठ के धमाधम ब्रश किया, ब्रश भी बेडे में करेंगे, ब्रश करने के बाद टॉयलेट बाथरूम करने के बाद उसके बाद धमाधम में नींद का टेबलेट कुछ खा के नींद का टेबलेट खा के सो जाता था, फिर दोपहर को जागता था, फिर दोपहर को फिर मैं क्या करता था नींद का टेबलेट खाता था फिर सो जाता था, फिर रात को मैं जागता फिर रात को मैं नींद का टेबलेट खाता था सो जाता था, ऐसा करते 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 उस दोस्त ने बहुत प्रेयर किया बहुत, लेकिन कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। और इसका मतलब ये नहीं कि प्रेयर के द्वारा कुछ, आज मैं जैसा भी हूँ प्रेयर के द्वारा ही हूँ, लेकिन मैं बोलूँगा पूरा गवाही का आप सुने। तब मैं अचानक से क्या हुआ, मैं अचानक से ऐसा करते करते मेरा बीमारी बढ़ने लगा और डॉक्टर बोला था 7 दिन के अंदर इनका ऑपरेशन होना चाहिए, यदि 7 दिन के अंदर इसका ऑपरेशन नहीं होगा तो कुछ भी हो सकता है डॉक्टर ने बोला। तो ऐसा करते करते मैं दिन को गिनने लगा, 3 दिन पहुंच चुका है, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 5 दिन जब आया तो मैं ऐसा गिन रहा था कि कल 6, परसों 7, परसों मेरा देहांत हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा परसों दिन, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था 7 दिन के अंदर, 7 दिन का टाइम है, इतना दिनों में आपको ऑपरेशन करना है ऐसा बोला, और ऑपरेशन के बाद आपको व्हील चेयर, ये पूरा हैंग हो जाएगा मेरा, ये पूरा साइड ऑफ हो जाएगा, मैं पैरालाइज हो जाऊंगा ऐसा बोला था। तब अचानक से उस समय में आपको पता है मेरे मम्मी पापा भाई में आपको पता है पानी देने के लिए कोई नहीं था मेरे साथ में, जो एक होता है ना हौसला कि बेटा चिंता मत करो आप ठीक हो जाओगे, पानी ऐसा कोई नहीं था मेरे साथ में, मेरे पास में कोई नहीं था, इतना अकेलापन था, इतना अकेला वो फीलिंग
अचानक से मैं बहुत रोता था, मैं मम्मी को सोचता था, पापा को सोचता था, गाँव वालों को सोचता था, मैंने जिनका जिनका मन दुखाया, जिनको हमेशा मैंने तकलीफ दिया, उन्हों के बारे में सोचता था और मैं बहुत रोता था। और ऐसा करते करते अचानक से 5 दिन पहुंच चुका था, 6-7 दिन के बाद मेरा मृत्यु हो जाएगा ऐसा सोचने लगा। टेबलेट खाता था, वो जो दवाई होता है ना, नींद का दवाई खाता था। ऐसा करते करते 6 दिन, कल 7 दिन पहुंचने वाला है। 6 दिन का रात में मेरा जो बीमारी था 90% बढ़ चुका था, मेरा जो बीमारी था वो 90% बढ़ चुका था। और अचानक से 6 दिन का रात में उस जगह से भी कुछ लोग आया, और आने के बाद जहाँ मैं था मेरे दोस्त के घर में, वहाँ से भी कुछ लोग आया और आने के बाद बोला कि आप नाटक कर रहे हो, आप नाटक कर रहे हो, हम कुछ नहीं जानते, कल सुबह ये गांव को आप छोड़ के चला जाओ, कल सुबह आपका मुंह को हम देखना नहीं चाहते, इसे टाइप से कहे। तब अचानक से वो लोग चला गया और मुझे टारगेट दिया कल सुबह 5 बजे का तक तुम यहाँ से चला जाओ, बोलने लगा वो लोग। और अचानक मैं सारा रात, उस दिन सारा रात बीमारी बहुत बढ़ चुका था और मैं सारा रात रोया, अब मैं कहाँ जाऊँगा, यहाँ से वहाँ तक नहीं चल पा रहा और कोई भी मुझे नहीं समझ रहा है। आज हमारे वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे भाई बहन होगा जो बहुत प्रकार की धोखा खाया है, जिनके लाइफ अंत तक आ चुका है। मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोगों के लिए एक द्वार खुला हुआ है, सिर्फ आप नहीं जानते हैं। आप मेरे टेस्टिमोनी को सुनिए, आप जान पाएंगे कि आपके जीवन में एक आशा है। तब मैंने अचानक से, जब उस दिन 6 दिन का दिन, मैं रात को बहुत रोया, मैं बहुत रोया और उस दवाई को भी लिया। जब मैं सुबह उठा, उस दिन 5 बजे मुझे वहाँ से निकलने के लिए बोला था, मैं आपको यकीन नहीं होगा, मैं यहाँ से वहाँ तक नहीं जा पा रहा था, टॉयलेट बाथरूम सब कुछ बेड में हो रहा था, इतना हालत खराब था मेरा ऐसा। तो अचानक से मैं जब सुबह उठा, बहुत सुबह उठा, और उठने के बाद मैंने निर्णय लिया कि मैं सुसाइड करूँगा बोल के। तो मैंने क्या किया, वो जो नींद का डब्बा था, नींद का टेबलेट का डब्बा था, उससे मैंने 9 पीस दवाई को लिया, हाथ में 9 पीस दवाई को लिया। लेने के बाद मैं सोचा इसको खाऊंगा और मैं सो जाऊंगा और कभी नहीं उठूंगा, क्योंकि इतना दर्द था, चारों ओर से सतावट था, और ऊपर से मेरे जीवन में बहुत बड़ा एक बीमारी आ चुका था। तो मैंने अचानक क्या किया, उस सुबह उठ के बहुत रोया, मम्मी पापा भाई बहन सबको याद करके मैं उस टेबलेट को, उस नींद का नौ टेबलेट को मैंने हाथ में लिया और मैं खाने ही वाला था। उसी समय मेरे भीतर से एक आवाज को मैं सुन पाया, मुझे बोलने लगा, सुभजीत बोलने लगा, क्या तुम जिंदगी से हार चुके हो, हार मत मानो, बोला मुझे। तब मैं रोने लगा कि मैं क्या करूं। तब मैं अचानक वो टेबलेट को रखा, मुझे बोला प्रेयर करो, ऐसा टाइप से एक आवाज आया। और मैं क्या किया, उस रूम पूरा अंधार था, कोई उजाला नहीं था, एकदम अंधार था, और मैं बोरा बिछाया हुआ था नीचे, और मैं नीचे उतर गया, घुटना में गिर गया और मैं रोने लगा, बहुत रोने लगा। उस दिन में मेरा लाइफ का लास्ट सेशन था, वो आखिरी सेशन था, और मैं बहुत रोने लगा उस दिन, बहुत रोने लगा। और रोते रोते मैं प्रभु से प्रेयर करने लगा। मेरा आत्मा ने मुझे बोला था कि यीशु को बुला के देखो, तुम सब कुछ करके हार चुके हो, एक बार यीशु को बुला के देखो, देखो यीशु तुम्हारे लिए क्या कर सकता है। तब अचानक मैं जब घुटना में आया, और आने के बाद मैं उस टेबलेट को, जो नींद का दवाई को मैंने साइड में रखा, और मैं बहुत रोने लगा, और रोते 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 मैं प्रभु यीशु मसीह को पुकारने लगा। और मैंने जब प्रभु यीशु मसीह को पुकारने लगा, तब मैंने प्रभु को बोला, प्रभु मेरे मम्मी पापा भाई बहन कोई भी मेरे साथ में नहीं है, प्रभु मेरे मम्मी पापा भाई बहन सब कुछ आप है, प्रभु यीशु मुझे प्लीज बचाओ, प्रभु मैं जीना चाहता हूँ, बोल के मैं पूरा रोने लगा। और उस दिन मैं गाना गा रहा था, कैसे भूला वो मोहितो के, कैसे भूला वो मोहितो प्यार के, सोचो ना मोहितो हे प्रभु का दोना, ऐसे टाइप का गाना गा रहा था, और बहुत रो रहा था उस दिन, बहुत रो रहा था, क्योंकि चारों ओर कोई भी मेरा साथ में नहीं था, मैं बिल्कुल अकेला हो चुका था, और मेरा जो हेल्थ, मेरा जो शरीर, ये शरीर भी मेरे खिलाफ हो चुका था, ऐसा सब कुछ मेरे खिलाफ में था, कुछ भी मेरे साथ में नहीं था, मेरे फैमिली भी मेरे साथ में नहीं था, बहुत दूर था। मैं बहुत रोने लगा, यदि मुझे आज यहाँ से निकाल दिया जाए तो मैं आधा रास्ता में जाते जाते शायद मेरा मौत एक ड्रेन के साइड में होगा, एक रास्ता के साइड में भी मैं गिर के मर सकता हूँ ऐसा। तो मैंने प्रभु से प्रेयर करने लगा, यीशु मसीह के नाम को मैंने सुना था, और मैंने प्रभु को पुकारने लगा उस बंद रूम में कि प्रभु यीशु मसीह प्लीज मेरे प्रति दया कीजिए, प्रभु मेरे प्रति कृपा कीजिए, प्रभु मेरे प्रति दया कीजिए, बोल के मैं बहुत रोने लगा। और मैं आपको एक बात को बताना चाहता हूँ कि
कोई आपके आंसू के प्रति दया करे या ना करे, लेकिन आपका जिंदा परमेश्वर आपके आंसू को जानता है और वो कहता है कि आपके एक एक बूंद आंसू का कीमत वो चुकाएगा, प्रभु प्रभु कहता है। तो इसीलिए मैं उस जगह बहुत रो रहा था, बहुत रो रहा था, रोते 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 बहुत रो रहा था, और मैं प्रभु से कह रहा था कि प्रभु आज मैं यदि यहाँ से निकल के जाऊँ तो मैं यहाँ से वहां तक नहीं जा पा रहा हूँ, और सब लोग मेरे घर से प्रभु मैं क्या करूँ बोल के मैं बहुत रो रहा था। और मैं मुझे याद है मैं बहुत जोर से चिल्लाया उस दिन, यीशु प्रभु मुझे आपका जरूरत है प्रभु बोल के मैं जब प्रभु से ऐसा चिल्लाने लगा, जब मैं चिल्लाने लगा तो मैं अचानक जब मैं चिल्लाया यीशु बोल के मैं चिल्लाया, चिल्लाने के बाद मैं गिर गया। गिरने के बाद मेरा शरीर भारी हो चुका था, मेरा आंख भी भारी हो चुका था, सब कुछ भारी हो चुका था, मैं गिर गया। गिरने के बाद सिर्फ मुझे यह मालूम चल रहा था कि मेरा आंख से आंसू गिर रहा है, आंसू बहुत आंसू गिर रहा, टूट चुका था, बिल्कुल टूट। हालात तो क्या, शरीर भी मेरा खिलाफ में था, मेरा शरीर भी मेरा खिलाफ है, हालात सिर्फ ने दुनिया ने। मैं आपको बताना चाहता हूँ यदि आपका शरीर स्वस्थ रहे ना तो आप दुनिया से भी लड़ जाओगे, लेकिन आपका शरीर जब आपके साथ देना बंद करे ना तो दुनिया से आप नहीं लड़ सकते, आप सक्सेस और विजय नहीं सकते। तो उस जगह में मैं जब रोने लगा, मैं जब गिर गया उस जगह में, मुझे याद है मेरा शरीर मेरा सब कुछ भारी हो चुका था, मुझे ऐसा लगा कि उस रूम इतना अंधेरा था, लेकिन ऐसा फीलिंग हुआ मुझे कि ट्यूबलाइट जैसे सफेद सा लाइट जला, ऐसा फीलिंग हो रहा है मुझे, मैं देख नहीं पा रहा हूँ, फीलिंग हो रहा है। और मैंने यीशु नाम को पुकारा था तो एक आवाज को, आज भी मुझे याद है वो सामर्थ्य आवाज, जब मैं कहीं भी प्रोग्राम करने जाता हूँ, मैं जो समय बिताता हूँ, वो सामर्थ्य आवाज को मैं सुन के जाता हूँ, आज भी मुझे याद है उस आवाज, इतना सामर्थ था उस आवाज में, इतना पावर था, इतना प्रेम झलक रहा था उस आवाज में, मेरे कान में आया, सुभाजीत बोला, सुभाजीत बोला, आज के बाद ये बीमारी कभी भी तुम्हारे शरीर में नहीं आएगा। आमीन। और उस दिन से आज तक मैं जीवित हूँ, चंगा हूँ, और आज मैं झारखंड में सुनीत बेडिंग के साथ मैं अपना टेस्टिमोनी को शेयर कर रहा हूँ। प्रियो मैं बताना चाहता हूँ, यदि आप जिंदगी में हार चुके हैं, चाहे दुनिया हो या शरीर हो या कोई भी आपके साथ नहीं दे रहा है, मैं बताना चाहता हूँ एक हाथ है जो आपके और बढ़ रहा है, जो आपको साथ देना चाहता है, जिसका जो हाथ परमेश्वर का है, प्रभु यीशु मसीह का है, और वो हाथ आज चाहे आप किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, वो हाथ आपको बहुत ऊंचा तक उठा के रख देगा। धन्यवाद। और मैं जानना चाहूंगा जैसे आपका जो बीमारी था जी, तो आप उसका ऑपरेशन करवाए या नहीं? नहीं सर, मैं उसका ऑपरेशन नहीं किया। जब मैं उस आवाज को सुना उसके बाद ही मुझे उस स्वस्थता को फीलिंग हुआ और मैं चलने लगा। उसके बाद परमेश्वर आपको बोल दिया कि आज के बाद से यह बीमारी तेरे शरीर में नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। और मैं उस दिन से सिर्फ परमेश्वर मुझे इतना नहीं बोला, परमेश्वर मुझे बोला अभी मुझे कहाँ जाना है, यीशु मसीह ने मुझे ये भी बोला अभी मुझे कहाँ जाना है, ये बीमारी के बाद चंगा होने के बाद मुझे कहाँ जाना है। तो जब प्रभु का उस आवाज मेरे कान में आया कि आप आज से ये बीमारी कभी तुम्हारे शरीर में नहीं आएगा, जब उस आवाज में, तब से यकीन मांगे 10 मिनट बाद मेरे नस नस में एक अजीब सा मैं बल शक्ति को महसूस किया, सामर्थ को, जो आवाज में सामर्थ था वो मेरे शरीर में मेरे महसूस किया, और थोड़ा देर में उठा, फ्रेश हुआ, अपने से गया। ऐसा जाने के बाद प्रभु ने मुझे उसका दास के बारे में बताया था, जो डुअर्स के है, प्रभु का दास एथनिस लकड़ा, उनका वहाँ लेके गया प्रभु, और मैं वहाँ गया और वहीं से ही फिर से प्रभु ने मुझे उठाना शुरू किया और आज यहाँ तक ले गया। तो हमें बताएं, आपकी गवाही बहुत जबरदस्त लगी, और आप किस प्रकार से सेवकाई में आए, जो आज आप सेवकाई कर रहे हैं जी, तो किस माध्यम से कर रहे हैं और किस प्रकार के कर रहे हैं, हमारे दर्शकों को बताएं जी। हाँ, सबसे पहला बात तो मैं हार्ट चेंजिंग मिनिस्ट्री है मेरा, मेरा जो मिनिस्ट्री है, मैं मुझे बुलाया जाता है, वक्ता के रूप में बुलाया जाता है और मैं वहाँ जाता हूँ। मेरा उद्देश्य यही रहता है कि मैं प्रीच करूँ, मैं जब खड़ा हूँ परमेश्वर मुझे चलाए और लाखों हजारों लोगों का हार्ट परिवर्तन हो। देखिए आज मेरा मिनिस्ट्री का उद्देश्य ये है, बीमारी जो है, बीमारी आज स्वस्थ हो जाएगा,
लेकिन पुराना जीवन फिर से आ सकता है, जब हार्ट चेंज हो जाता है ना जिंदगी बदल जाता है। कम टू द क्राइस्ट, चेंज योर लाइफ मिनिस्ट्रीज, मेरा मिनिस्ट्री। तो आज भाई सुभजीत कर्माकर, इनके बारे में हम लोगों ने बहुत सारे इनकी गवाहियाँ सुनी, बहुत सारे इसके जीवन में किस प्रकार की बातें आई, और हमने इनके बारे में ये भी जाना कि ये किस प्रकार से परमेश्वर इसके मतलब इनके शरीर को, इनके बीमारी को चंगा किया, किस प्रकार से हो सके इसी प्रकार से आपके जीवन में भी हो रहा होगा या होता होगा। तो आप भी चिंता ना करें, परमेश्वर आपको देख रहा है, आपके आंसू को देख रहा है, वो आपको सहायता जरूर करेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तो मैं इसी प्रकार से बहुत सारे प्रभु के दासों को, म्यूजिशनों को आपके सामने लाता रहूँगा, और आप लोग हमारे लिए प्रार्थना करें कि इसी प्रकार से परमेश्वर के कार्यों को मैं करूँ। और चलिए आज के लिए बस इतना ही, और अगले एपिसोड में फिर से मिलेंगे। प्रेस द लॉर्ड। जय मसीह की। जय मसीह।